सी अभी जो हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुआ उसमें जाहिर है कि भाई अभी इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसका एक फिगर भी दिया होगा कि भाई इतने एम्प्लॉय इतने जो जॉब्स क्रिएट होंगे। अच्छी बात है वो डेटा तो भी डिटेल्स आना है, उसको हम पिछले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के साथ कंपेयर करेंगे और रिजल्ट्स क्या है पिछले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से, अब तक कितने जॉब्स वो इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से बेस हुए हैं उसके हिसाब से इसका हम एक आंकड़ा फाइनलाइज कर सकते हैं। अब फिलहाल हमारे पास तो उसका डेटा नहीं है। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, अभी ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो भी फोकस है टायर टू टायर थ्री सिटीज़ में, हाँ ज़रूर वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, मगर कितना होगा ये देखना पड़ेगा। अभी जहाँ तक मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है वो है हमको पहले प्री कोविड रेंज में जाना पड़ेगा, जो पहले जो प्री कोविड का बिजनेस हुआ करता था, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होती थी एमएसएमई में, अगर हम उसको वापस पहुंच जाएंगे तो बरकरार करेंगे, जो जॉब लॉसेस हुए हैं पिछले 3 साल में उसको हम सही कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कहूँगा मैं उसको, एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट रिगेनिंग रिकैप्चरिंग हो जाएगा हमारा। उसके बाद में फिर भी हमारे एमएसएमई सेक्टर्स में काफ़ी कैपेसिटी अनयूटिलाइज्ड है, तो उसको अगर गवर्नमेंट फोकस करे, अब मान लो कि भाई एक बंदा 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है और उसको उसके पास कैपेसिटी है कि 5 करोड़ टर्नओवर करने की उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में उसी इसमें, या थोड़ा बहुत उसके आगे पीछे वो इन्वेस्टमेंट कर लेगा, तो अगर वो डबल भी करेगा तो एम्प्लॉयमेंट रेट शायद डबल ना हो, एटलीस्ट 50% तो गरीबी हालत से एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर, जितने एमएसएमईस हैं कर्नाटका में इसके ऊपर अगर फोकस करेगी, इनके आप बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोचेगी तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट इंस्टेंटली डेवलप, क्योंकि तो ये तो रनिंग इंडस्ट्रीज है, रनिंग इंडस्ट्रीज में आप अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो ये लोग खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं विदाउट ये ऐसा कोई बड़े इन्वेस्टर मीट की जरूरत नहीं पड़ती। गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं एमएसएमईस को प्रमोट करने के रुख में, उनको फोकस करना है कि भाई हमको टैक्स रिबेट्स, लैंड्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मायने में, सही मायने में उसको इंप्लीमेंट करना है। आज एक एमएसएमई के लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खाली पेपर पर रह गया है, कहीं और नहीं, कोई भी एक डिपार्टमेंट में जाएंगे तो हमारे लिए बहुत दिक्कतें आती है, इतने सारे कंप्लायंसेस हो गए हैं, इतने सारे कंप्लायंस होंगे, तो छोटा मोटा जो एमएसएमई का बंदा है वो ये कंप्लायंसेस नहीं कर पाता, इतने सारे अपने सर पे बोल डाल दिए, इतना लिंक्स अप है, इधर करेंगे उधर करेंगे, ये अगर आप ईज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो दूसरी बात, एमएसएमई के ताल्लुक से बिजनेस आपको गवर्नमेंट से, जो भी गवर्नमेंट एजेंसी से एमएसएमई को वैसे प्रोक्योरमेंट करने की बात करेंगे तो, और हम लोग एक्सपेंस कर सकते हैं कि भाई हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो काम है वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जीडीपी बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शंस बढ़ेंगे, गवर्नमेंट को इसमें देंगे। सिमिलरली सर्विस सेक्टर में भी जो भी है, अगर गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट एजेंसी सोर्सिंग करेगी एमएसएमई से, सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो मैं बोलूँ एमएसएमई के ऊपर गवर्नमेंट फोकस करेंगे तो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है।